कृष्णा, आज हम पार्ट 3 की वर्कबुक एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज सिर्फ बुक में ही करना है। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। क, धनी आदमी के बेटे शामू में बुरी आदतें थी, यह क्या है? सही, शामू ने अमरूद का पेड़ उखाड़ दिया। गलत, बुरी आदतों को शुरू में उखाड़ फेंकना आसान होता है। सही, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। शामू किसको छोड़ने की कोशिश नहीं करता था? बुरी आदत। धनी आदमी अपने बेटे को लेकर किसके पास गया? महात्मा के पास। महात्मा शामू को कहाँ घुमाने ले गए? बगीचे में। सोचिए, समझिए और ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। पुत्र पुत्री, आसान आसानी, धन धनी, बुरा बुरी, छोटा छोटी, बेटा बेटी। किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम सबको पता ही नहीं है, जैसे ताजमहल, करीना, शेर, ठंडक। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाटकर लिखिए। श्यामू को कल लेकर आना, इसमें संज्ञा शब्द क्या है? श्यामू। पिताजी मैं अभी छोटा हूँ, इसमें पिताजी। उस झाड़ी को उखाड़ो, झाड़ी। महात्मा बहुत बुद्धिमान थे, महात्मा। उसने पौधे को उखाड़ दिया, पौधे। दिए गए वाक्यों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। टस से मस न होना, मतलब बिल्कुल भी न हिलना। इसका वाक्यों में प्रयोग क्या होगा? अमरूद का पेड़ टस से मस न हुआ, मतलब अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। सांस फूलना, मतलब थक जाना। अमरूद का पेड़ उखाड़ने की कोशिश में श्यामू की सांस फूल गई। शब्द के आखिरी शब्द से नया शब्द बनाइए और शब्दों की लड़ी को आगे बढ़ाइए। ताकत, इसमें आखिरी में क्या है? त, त से हम नया शब्द बनाएंगे। तना, तना में आखिरी शब्द ना, ना से नाक। क, क से कलम। अब इसमें म, म से माला। ला से लालच। च से चरखा। ख से खाना। आप इन सब बुक एक्सरसाइज को सिर्फ बुक में ही करेंगे। हैव अ नाइस डे।